गुड मॉर्निंग कुछ ना। अरे यार पाक बड़ो बाबू बड़ो तरबू बड़ो तरबू सुबह सुबह दिखाते हैं खेत में कितनी सारी सब्जियां आई हुई हैं। पीछे देखिए अम्मा तोड़ रही हैं सब्जी, वो देखिए और कितनी सब्जियां सारी आई हुई हैं। देखिए भिंडी है जैसे मैं भी तोड़े, अम्मा बोले तोड़वा दीजिए किसी को देना है। घर का तो हम लोग डेली खाते ही हैं तोड़ तोड़ करके। हरी सब्जी अपने खेतों में तोड़ने का कुछ मज़ा ही और होता है, कितना अच्छा लगता है कि जब खेत से सब्जी तोड़ के खाओ, है कि नहीं। ये देखिए भिंडी है। लेकिन ये बात भी है कि मेहनत बहुत लगती है सब्जी उब्जी तैयार करने में, पानी दो सिंचाई पताई करो। आज मैं सोचती ना पूरा सीन मतलब पूरा ब्लॉग ही शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ जो है सब्जी का, कि हमारे खेतों में कौन कौन सी सब्जियाँ उगी हैं। तो सबसे पहले मैं भिंडी दिखा देती हूँ आप लोगों को। भिंडी मैं तोड़ रही हूँ। कितना मज़ेदार सीन है यार सुबह का दृश्य, कितना मतलब अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ना, ये है बूढ़ा का पौधा जिसमें फल लगे थे, इसको अम्मा ने अच्छे से तोड़ लिया है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। यह देखिए एक और तोड़ लेते हैं, सुबह सुबह सब्जी हो जाएगा घर पे बनाने के लिए, बूढ़ा का सब्जी बनेगा। और भिंडी जो है किसी और को देना है, इसीलिए अम्मा तोड़ रहे हैं। तोड़ लेते हैं, सारी सब्जियाँ खेत में हो जाती हैं, ये नहीं नहीं रहता। आइए ये वाला बूढ़ा लगभग मार्केट में 40 से 50 के नीचे नहीं रहता है किलो के रेंज में, बहुत ही महंगा आता है। और लेकिन अच्छी सब्जी बहुत बनती है हमारे यहाँ, तो खेत में सारी सब्जियाँ हो जाती हैं हर सीज़न में, चाहे ठंडी का सीज़न हो चाहे गर्मी का सीज़न हो। और पानी की भी सुविधा है, जहाँ खेती दूर है तो वहाँ पर लोग नहीं कर सकते हैं जो है। और ये देखिए बीज के लिए रखा गया है, सूखा जाएगा तो इसमें बीज मतलब सूख जाएंगे। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये है खीरा जो कि पक गया है, दो चार बीज के लिए छोड़ दिया जाता है, बाकी तो तोड़ के सलाद वगैरह सब चीज़ खाते हैं खाते हैं तो कितना होता है। लेकिन यहाँ पर खेत में है तो पक रहा है, सूख रहा है, सड़ भी जाता है कभी कभी, लेकिन तोड़ते नहीं हैं। जो खाने की इच्छा होती है वही तोड़ के ले जाते हैं। ये पक गया है इसको तोड़ेंगे नहीं, चार पाँच एकदम पका हुआ पड़ा है खीरा ना, पीछे लगा हुआ है मक्का। और ये देखिए इधर भी ढेर सारा भिंडी है, भिंडी का ही खेती आपको दिखेगा। ये यहाँ मैं लेके आई हूँ मोबाइल बैक कैमरे से, नहीं फ्रंट कैमरे से दिखा रहे हैं आप लोगों को, तोड़ भी रहे हूँ क्योंकि अच्छा लगता है तोड़ना। लेकिन भिंडी मतलब खुजली होने लगती है, आपको बचा बचा के ही तोड़ना है खेतों से। तो भिंडी है और खीरा है हमारे खेत में, और क्या बोलते हैं करेला है और नेनुआ है। चल के दिखाते हैं नेनुआ भी आपको, बहुत ज़्यादा फूला फरा है, कल तोड़ा गया था लेकिन किसी दिन रेसिपी शेयर कर देंगे अच्छे से आप लोगों के साथ। अब ये देखिए यहाँ पर नेनुआ है ढेर सारा है, वहाँ पे अम्मा कुछ तोड़ रही हैं। ये देखिए नेनुआ में कितना सारा फूल लगा है, बहुत सारे मंडरा रहे हैं। कल सब्जी तोड़ी गई थी नेनुआ में, अभी फल नहीं है इस टाइम, छोटी छोटी बतिया है। और यहाँ पर देखिए ये है करेले का, तो करेला जो है ना लकड़ी पर जब उग जाता है तो लकड़ी पर रख देते हैं। और ये देखिए मतलब ये नहीं है फल लगे हैं, कल करेला और नेनुआ दोनों तोड़ा गया था। इसमें सब्जी घर पे है तो अदल बदल के जो भी जिस मीटिंग रहता है मन, उस मीटिंग तोड़ लिया जाता है। चलते हैं दूसरी सब्जी के पास। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी सुबह की मॉर्निंग की, और हमारे खेतों में सब्जियाँ आपको कैसी लग रही हैं। पूरा तोड़ना है इसको हमें, अभी तोड़ नहीं रहे बस आपको दिखा ही रहे हैं, उसके बाद तोड़ के दिखाते हैं। देखिए ये भिंडी है पूरा ऐसा, इधर साइड भिंडी का पौधा है। अब हम आ गए हैं यहाँ पर जहाँ पर हमारे यहाँ लौकी लगी हुई है, और लौकी के साथ साथ मिर्ची का भी पौधा है, मिर्ची टमाटर। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये मिर्ची का पौधा है, ये भी है। देखिए सफ़ेद सफ़ेद फूल आए हुए हैं मिर्ची में, दिख रहा है कि नहीं आपको। ये देखिए मिर्ची का पौधा है, सफ़ेद सफ़ेद फूल आए हुए हैं, अब मिर्ची में फल लगेंगे।
और ये है टमाटर जो कि फल फूल चुके हैं, तो अभी रहेगा थोड़ा सीजन लो होगा तो बारिश जब आ जाएगी तो फिर से दोबारा ये फलेंगे, इसलिए किनारे साइड पे लगाया गया है। और इधर भी करेला देखिए तार पे पीछे मेरे चढ़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आशा करते हैं, मैं सोचती हूँ यार मतलब सब कुछ दिखा दूँ और फिर मेरी यादों में भी रहेंगी ये मेमोरी, मुझे मतलब मैं वहाँ रहती हूँ तो कैसा लगता है क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर लौकी है, कद्दू नहीं है इस बार, कद्दू है सच खेत में, मेरे खेत में कद्दू नहीं लगाया गया है। ये देखिए लौकी, यहाँ देखिए यहाँ पर जो है लौकी लगी हुई है, ये लौकी का है पौधा। और कहते हैं ना हाथ से छू दो तो फल बढ़ते नहीं हैं, यहाँ पर भी एक है और परसों तीन तोड़ लिया गया था जब मैं जो है सब्जी बना रही थी, मैं तोड़ के ले गई थी। तो ये हो गया लौकी और नेनुआ, भिंडी, करेला और कौन सी सब्जी है खेत में, और मतलब हमारे चाचा के लोगों के यहाँ है ना, तो जिनके खेत में जो नहीं रहता है अदला बदली हो जाती है कि मतलब अदला बदली क्या कि ये चीज़ है या क्या नहीं, उनको दे दीजिए, ये चीज़ अपने यहाँ नहीं है खा लीजिए, ऐसे हो जाता है। आशा करती हूँ हमारा ये मॉर्निंग का रूटीन ब्लॉग यानी खेत में से सब्जी तोड़ के घर पर ले जाना आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। ये देखिए है हमारी चाची माँ का खेत, एक बीघा है तो थोड़ा थोड़ा जो है चार लोगों को है अपना, इसी सब्जी द्वार पर है ना बाहर हो तक नहीं। ये देखिए कद्दू दिख रहा है ना, इसको छूएंगे नहीं क्योंकि अगर छू देते हैं तो फल जो है बढ़ते नहीं हैं, आप देख लीजिए कद्दू है। और एक ही शायद है, एक दो तोड़ के ले गए हों जो है, सब्जी है तो सुबह शाम खाते ही रहते हैं। और खीरा है, तो चलिए फिर जो सब्जियाँ तोड़ के घर ले चलते हैं वो आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ पर दिखा देते हैं चाची माँ के खेत में भी मक्का आया हुआ है, बालें बैठ रही हैं, घुई लगी हुई है। तो चलिए फिर आशा करते हैं कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा कि मायके आई थी तो कुछ दिखाया नहीं, दीने या भाभी ने सब कुछ दिखा रहे हैं अच्छे से आप लोगों को। आशा करते हैं वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस टाइम भावना भाभी नहीं आ रही हैं क्योंकि वो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा देखती हैं और उनको बम्बई में रहती हैं तो गाँव की चीज़ें बहुत पसंद हैं। चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ मैं ब्लॉग को एंड कर देती हूँ क्योंकि सब्जियाँ ही दिखाना है, बना के नहीं दिखाना है, मतलब मेरे खेत में कितनी सारी सब्जियाँ उगी हैं। लोग किचन गार्डन ये सब दिखाते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन मैं ससुराल में सब नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत समस्या होती है। बस सारा घूम लीजिए, अब यही सामने पर घर भी है मेरा, देख लीजिए आप लोग, दूर नहीं है खेत और तो खेती बहुत ही दूर है तो इसमें सब्जियां वगैरह उगाती हैं और सब कुछ अच्छे से होता है और खाने में भी मज़ा लगता है, एंजॉय करते हैं लोग अपने हाथों से तोड़ के ले जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, मंजू तिवारी को दीजिए इजाज़त। और आशा यही करते हैं जो नए आते हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना कतई नहीं भूलोगे, कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। बाय।